हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में सूजी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने रवा ले ली हूँ, 1 कप रवा है और थोड़े से कटे हुए मेवा है और शक्कर 1 कप और दूध 1 कप ली हूँ और इसमें मैं साथ में ऐड करूँगी 1/2 कप पानी और ये लेमन येलो कलर है, फूड कलर, और ये इलायची पाउडर है और इसमें साथ में जाएगा घी, लेकिन मैंने वो रखी नहीं थी, मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जो है जो सूजी है हमारी, तो बारीक सूजी ली हूँ मैंने, बारीक रवा, और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसकी जो फ्लेम है ना तो वो मीडियम टू लो रखेंगे और जो है ना इसको बिल्कुल भी नीचे चिपकने नहीं देना है, इसलिए मैंने नॉनस्टिक का कढ़ाई ली हूँ मैंने, नॉनस्टिक की। तो इसको स्लो फ्लेम पे हम अच्छे से भून लेंगे, इसकी अच्छी सी सोंधी सी खुशबू आने तक का इसको भून लेना है। तो ये जब अच्छे से भून जाए ना तो इसको निकाल के अलग बर्तन में रख लेना है, प्लेट में। तो ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं ये निकाल के रख लूँगी प्लेट में और ऐसे ड्राई रोस्ट करने से ना आपका जो रवा है, यानी कि मीठा रवा या तो सूजी हलवा जो भी हम बना रहे हैं ना, तो वो एकदम खिला खिला बनेगा, दानेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में ले ली हूँ मैंने 2 टेबलस्पून घी, असली घी है ये। तो जब घी थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें ऐड कर लेना है ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ड्राई फ्रूट्स ऐड की हूँ। आप चाहो तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड नहीं की हूँ। चारोली यानी कि चिरौंजी और किशमिश भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये जो ड्राई फ्रूट है ये हमें हल्का सा इसको थोड़ा सा भून लेना ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और थोड़ी सी ना क्रंची हो जाते हैं ना ये। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं इलायची पाउडर। तो ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है इलायची पाउडर और साथ ही मैं ऐड करूंगी मैं दूध। तो इसी में मैंने 1/2 कप मैंने पानी भी ऐड करके, फिर जब दूध को अच्छे से बॉईल आ गए ना तो उसमें फिर ऐड करना है हमें शक्कर। तो शक्कर भी ऐड करके अच्छे से चला लेना है, शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट होना चाहिए। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ इतना ही पकाना है आपको, बॉईल करना है कि जो शक्कर है वो अच्छे से दूध में मिक्स होनी चाहिए, मेल्ट हो जानी चाहिए एकदम। और जितना आपने रवा लिया है लिए है ना, तो उतना ही आपको शक्कर भी लेना है, यानी शुगर भी आपको उतनी ही क्वांटिटी में लेना है और सूजी भी। तो यहाँ पर मैंने चमचे से चलाते हुए मैंने 1 हाथ से सूजी भी ऐड करके इसको ऐसे हिलाते रही मैं, ऐसे कंटिन्यूसली यही स्टेप आपको फॉलो करना है। सूजी डालते वक्त मैंने क्लिप लेना भूल गई थी मैं, मतलब कैमरा ऑन था लेकिन मुझे ऐसा लगा रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो जब इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए तो इसको ऊपर से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दी और फिर इसको दम पे रख देना है। दम पे आपको सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 सेकंड के लिए रखना है, इसका अगर कनी इसकी खुल गई तो ये रवा दानेदार नहीं बनेगा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल है, मतलब सूजी का हलवा बनाना एकदम सिंपल है। ये तो बेसिक मेथड से मैंने आपको बताई हो, आप चाहो तो इसमें पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हो, चेरीज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊँगी, वो उस तरीके से भी बनाने का मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपने कमेंट करने के बाद में। तो ये देख सकते हो आप, हमारी सूजी बनके एकदम रेडी है, हलवा सूजी का हलवा बनके रेडी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो ये जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको प्लेटिंग के लिए निकाल ली, सर्व करने के लिए निकाल ली। अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करना, और प्लीज़ यार कमेंट भी ज़रूर कर लिया किए करें। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक मोटिवेशन के लिए ही कमेंट कर लिया करें प्लीज़। तो यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा बनके रेडी है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी ज़रूर एंजॉय करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।